नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपको आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आज दिख रहे होंगे, इन्हीं सभी क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये आपके सैम्पल पेपर या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियोस को डाल चुके हैं इस साल में। इससे पहले प्रीवियस ईयर की जो है वो पूरी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, जहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नहीं देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उस पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ नए जितने भी सैम्पल पेपर हमने डाले हैं अब तक के, उन सब के भी जो लिंक हैं वो नई प्लेलिस्ट हमने वहाँ पर ऐड की हुई है, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, सभी जितने भी आपके सैम्पल पेपर हैं उन सबके लिंक अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ आप हमारे अगर चैनल पर जाओगे तो वहाँ जब आप वीडियोस वाले सेक्शन के अंदर जाओगे तो उस वीडियोस वाले सेक्शन के अंदर भी आपको सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी दिख जाएंगी। मोस्टली जो हैं वो आपके ही काम की हैं ऑब्वियसली, तो वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती हैं, 5-5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट की हैं। चूँकि ये प्रीमियर्ड वीडियोस होती हैं तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, क्योंकि इनमें हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी वहाँ पर जाकर। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये कि अब इस वीडियो में हम आज कुछ क्वेश्चंस को करके देखेंगे, फिर आपके दो तीन जो सेकंड चैप्टर है, फिर चैप्टर वाइज लेने की सोच रहा हूँ मैं। जैसे कि भाई आपके टोटल जो 20 चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में, जैसे पहला जो चैप्टर है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया एक वीडियो के अंदर, तो चैप्टर वाइज। और अब उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हमको, चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, और आपके भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 12 मार्च से, और 12th के तो 5 तारीख से हो जाएंगे, तो 12th वाले बच्चे जो हैं वो भी, उनकी भी बायोलॉजी की जो वीडियोज़ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो बायोलॉजी के एग्ज़ाम से पहले या फिर 5 मार्च के बाद हम डाल देंगे, क्योंकि आपके में गैप है बायोलॉजी के एग्ज़ाम में, तो आप उनको देख पाएंगे। साथ ही साथ 10th क्लास जो है उसके लिए एक जो स्पेसिफिक वीडियो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 10, मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम है 18 मार्च का है आपका साइंस का एग्ज़ाम, तो उससे पहले मिल जाएगी आपको एक, जिसमें वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी और उसके अंदर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। साथ ही साथ एक जो वीडियो मिलेगी आपको सभी चैप्टर वाइज की, उसमें 5-5 चैप्टर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो 5-5 चैप्टर लेंगे तो हम 4 वीडियोज़ के अंदर कवर कर लेंगे सबको, तो 1 से 5 चैप्टर की एक वीडियो बना दी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अकॉर्डिंग की, वही फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं आपके 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 जितने भी हैं उन सबको मिला के एक वीडियो बना दी, फिर आपके बायोलॉजी के जितने चैप्टर हैं उनको मिला के एक वीडियो बना दी, केमिस्ट्री के जितने चैप्टर हैं उनको मिला के एक वीडियो बना दी, तो ये भी कर सकते हैं हम। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से बैठता है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं भी, हम नहीं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करें, वैसे थोड़े टाइम के लिए तो कर सकते हैं, बट मोस्टली आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा इस टाइम में। क्योंकि मैक्सिमम 20 to 23 डेज़ हैं आपके पास अब, जिनमें आपका मतलब कि एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद तो फिर आपको आराम से आप फ़ोन ही छेड़ना है आपको एक तरीके से, तो उससे पहले आप थोड़ा देखें मतलब कि काम की चीज़ें जितनी भी हैं आपकी, खास करके रिलेटेड भाई स्टडी से रिलेटेड हैं। इस चैनल पे आप देख रहे हैं तो आपको सब चीज़ों के मिल ही जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, तो वो सारी चीज़ें। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इस सैम्पल पेपर को कंप्लीट करके फिर आपको एक एक दो दो वीडियोज़ जो हैं वो उन सारे चैप्टर्स की डालेंगे जिनके अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, जैसे 1 to 5 चैप्टर जो हैं उनके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं आपके साइंस से रिलेटेड वो डाल दिए, फिर 6 to 10 चैप्टर उनके कौन से आ रहे हैं तो वो हम देख के आप बताइए इनमें से कौन सा तरीका ठीक रहेगा, या तो इस हिसाब से डालें हम वीडियोज़ को, या फिर हर सेक्शन वाइज मतलब फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, और उन सब चीज़ों के हिसाब से, तो वो देखते हैं। आप कमेंट कीजिएगा इस चीज़ के लिए कि किस कौन सा तरीका ठीक रहेगा, और बस यही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम वीडियो की ओर ध्यान देते हैं, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिससे कि आप इनको आसानी से समझ सकें और अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो अब हम ध्यान इस पर लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अब दिख गया होगा, है ना, पहले भी दिख रहे थे बट थोड़े से छोटे थे उस टाइम, है ना, तो अब खूब बड़ा हो गया, हमने मेन स्क्रीन पर ले लिया उसको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है वो है हृदयावरण क्या है, क्या होता है हृदयावरण। सबसे अगर इजी लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए तो हृदयावरण क्या है,
हृदय आवरण का मतलब होता है हृदय का आवरण। इसका मतलब हमारा जो हार्ट होता है उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम पेरिकार्डियम या हिंदी में हृदय आवरण कहते हैं। ये दो लेयर्स के बीच में होती है और इन दोनों ही लेयर्स जो हैं आपकी, इन दोनों ही लेयर्स के बीच में एक फ्लूड या एक द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूड या हृदय आवरणी द्रव। अगर इसी को मैं बना दूं ऐसे, ये आपका हृदय, ये इसमें अगर मैंने ऐसे लगा दी की मात्रा, तो ये बन गया हृदय आवरणी द्रव। तो हृदय आवरणी द्रव जो है ये प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फ्रिक्शन, घर्षण से बचाना। जब हमारा हृदय लगातार कंटिन्यूअसली हार्ट बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, तो उस टाइम क्या उसमें फ्रिक्शन होते हैं, तो उन फ्रिक्शंस को रोकने के लिए जिस चीज़ का हम या जिस फ्लूड का यूज़ करते हैं वो हृदय आवरणी द्रव होता है, और ये जिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हृदय आवरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये इस क्वेश्चन के साथ साथ ये चीज़ भी जुड़ी हुई थी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की ओर अगर हम डिस्कस करते हैं तो दूसरा जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड मैं स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ। यस, सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अब आपकी स्क्रीन पर, वो है आमाशय के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपसे जो आपका स्टमक है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, उन सभी पार्ट्स के बारे में पूछा गया है कि हम आमाशय को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, आमाशय जो है, आमाशय को मुख्य रूप से डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में। अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर देखें आमाशय की, जस्ट ए मिनट, इधर बनाते हैं थोड़ा सा, जस्ट यहाँ देखिए, इस एरिया में बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आमाशय की। अगर हम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं आमाशय की, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें पहला हिस्सा जो है वो, एक सेकेंड, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा कार्डियक या हृदय भाग। ठीक है, जो चूंकि ये हृदय के पास वाला हिस्सा है इसलिए इसको कार्डियक बोल देते हैं। ये वाला जो भाग हो जाएगा ये हो जाएगा पाइलोरिक भाग, और ये जो बचा ये हो जाएगा फंडस भाग। ओके, तो मुख्य रूप से इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडस। इन तीन पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं हम हमारे आमाशय को, और जो कि जो जो जिसके जो हिस्सा जिस ऑर्गन के पास पड़ रहा है उसके बेसिस पर ही हमने उसका नाम रख दिया। अब जैसे कि ये कार्डियक वाला जो कि हृदय के पास पड़ रहा है इसलिए इसको कार्डियक बोल रहे हैं। इसके पाइलोरिक वाला जो है वो आपके गाल ब्लैडर या यकृत या बाइल डक्ट के आसपास पड़ रहा है इसलिए उसको पाइलोरिक बोल दिया, और फंडस जो है वो शेष जो बचा हुआ भाग रहेगा उसको हम फंडस बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लाल आंकड़ों की पुस्तक क्या है? थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो, तो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, लाल आंकड़ों की पुस्तक क्या है? किसे कहते हैं भाई लाल आंकड़ों की पुस्तक? तो आप जानते हो लाल आंकड़ों की पुस्तक थोड़ा हिंदी नाम लग रहा है, बट इसका इंग्लिश नेम जो है वो आप जानते हैं, रेड डाटा बुक होता है। ठीक है, तो लाल आंकड़ों की पुस्तक या रेड डाटा बुक जो होती है उसका मेन फंक्शन जो होता है वो जितने भी जीव हैं उनको कैटेगराइज करने का होता है। इनको सभी जीवों को हम पांच श्रेणियों के अंदर विभाजित कर देते हैं, और ये विभाजन का जो काम है ये एक संस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय जिसको कहा जाता है IUCN। तो वो IUCN नाम की जो संस्था है वो इस काम को करती है, सभी जीवों को मुख्य रूप से पांच भागों के अंदर डिवाइड कर देती है जिससे कि हम उन सभी पांच भागों में उनके प्रति जागरूक हो सकें और जो कंट्रीज हैं वो उनको बचाने के लिए काम कर सकें। तो ये मुख्य रूप से जो काम है वो लाल आंकड़ों की पुस्तक करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसमें। फोर्थ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, वन्य जीव संरक्षण से क्या तात्पर्य? वन्य जीव संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो वन्य जीव संरक्षण से तात्पर्य है कि वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोका जाए ताकि उनकी संख्या बढ़ सके और वो जो एक इकोसिस्टम है जंगलों का उसको बचाए रख सकें। तो वो मुख्य रूप से काम है वन्य जीव संरक्षण का। तो एक अधिनियम हो गया जिसके तहत ये अधिकार दिया जाता है सरकार को कि वो इस तरह का कानून बनाए जिससे कि जो संरक्षित किया जा सके, खास करके जो रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग बताए गए हैं जीव उनको मुख्य रूप से हम संरक्षित कर सकें। तो ये सारा के जो काम है वो वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो, पांचवा क्वेश्चन वैसे आपको बताना चाहिए बट फिर भी आप मुझसे ही पूछेंगे इसको। तो पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, औषधीय महत्व के दो पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि ऐसे दो पादपों के नाम बताने हैं जो औषधीय महत्व के हों। तो इसमें मैं एक बता रहा हूँ, एक आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। तो इसका अच्छा उदाहरण मिलता है हल्दी। हल्दी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है कुरकुरमा लौंगा।
ठीक है, तो हल्दी का वनस्पति नाम हो गया कुरकुमा लौंगा, जो इसका सही आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? तो राजस्थान जो है, इसके राज्य वृक्ष जो है वो है खेजड़ी। ठीक है, तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, एक है टेकोमेला एंडुलेटा और एक है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो बताइए आप कौन सा सही होगा इनमें से। ये दोनों ही राजस्थान के कुछ ना कुछ हैं। ठीक है, तो कमेंट कीजिए मुझे आपकी, इसमें प्रोसोपिस सिनेरेरिया सही होगा या टेकोमेला एंडुलेटा सही होगा। अच्छा, इनमें से जो गलत है वो क्यों गलत है और सही जो है वो क्यों सही है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अब इनमें से मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि एक राज्य वृक्ष है और एक राज्य पुष्प है। राज्य पुष्प जो है हमारा वो रोहिड़ा है। तो इन ये जो मैंने दो नाम आपको बताए, टेकोमेला एंडुलेटा और प्रोसोपिस सिनेरेरिया, इनमें से एक जो है वो आपके राज्य वृक्ष है और जो दूसरा है वो आपके राज्य पुष्प है। तो वो किसका क्या नाम है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, सातवां जो क्वेश्चन है वो है, गेहूं की दो उन्नत किस्मों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। गेहूं की दो उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं भाई? तो गेहूं की दो उन्नत किस्मों के नाम अगर आपसे पूछे जाएं तो आप इसमें बताएंगे, एक तो सोना शरबती और एक सोनालिका। ठीक है, तो सोनालिका और शरबती जो है ये मुख्य रूप से दो प्रमुख किस्म है गेहूं की। ओके, आठवां क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आठवां क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है सामाजिक वानिकी क्या, ये समझ आ रहे हैं आपको? ठीक है, थोड़ा स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, मुझे बता देना आप। मेरे हिसाब से ठीक है स्पीड इसकी, क्योंकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे तभी हो पाएगा थोड़ा सा, है ना। तो गेहूं की दो उन्नत किस्में समझ आ गई, सोनालिका और शरबती जो है वो दो किस्में होती हैं इसकी, गेहूं की। इसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी क्या है? तो सामाजिक वानिकी का मतलब होता है कि एग्रो सोशल एग फॉरेस्ट्री, इसका मतलब हम समाज को जोड़ते हुए अगर वन संबंधी कार्य कर रहे हैं या पेड़ पौधों को लगा रहे हैं या सामाजिक जगहों पर अगर हम पेड़ पौधों को लगा रहे हैं तो वो सामाजिक वानिकी होगा, ताकि लोगों का जुड़ाव इससे हो सके और कोई इन्हें नष्ट ना करे और सभी इनको बचाने की कोशिश करें। वो सब चीज़ें जो हैं वो सामाजिक वानिकी के अंदर आती हैं मुख्य रूप से, जैसे कि हम सड़कों के किनारे वृक्ष अगर लगा रहे हैं या सार्वजनिक जगह जैसे कोई पार्क है उसमें वृक्ष लगा रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम हॉस्पिटल्स में वृक्ष लगा रहे हैं, स्कूल्स के अंदर वृक्ष लगा रहे हैं, तो वो सारा के सारा जो काम होगा वो सामाजिक वानिकी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके बाद में नवा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, संकटग्रस्त जातियों से क्या तात्पर्य है? ठीक है, आप ध्यान दीजिए इस पे, संकटग्रस्त जातियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये IUCN ने डिवाइड की है और संकटग्रस्त जातियों से मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और वो विलुप्ति की कगार पर हैं, उन्हें हम संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, उदाहरण तो बता ही सकते हो आप इनके, तो एक दो मुझे उदाहरण कमेंट करके बताइए कि संकटग्रस्त जातियों के क्या क्या उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम दसवां क्वेश्चन देखते हैं, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज कहलाती है भाई इंग्लिश में। ठीक है, तो जो बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, संकटग्रस्त जातियों को इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड भी बोला जाता है उसको, तो संकटग्रस्त जातियाँ वो होती हैं बेसिकली। अब अगला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम क्या है? तो स्नेल का जो नियम है वो प्रदर्शित करता है, उसका सूत्र कुछ इस तरह से लिखते हैं हम, sin I/sin R बराबर कैसा होता है ये, नियत। साइन आई का मतलब होता है आपतन कोण की ज्या या उसका साइन वैल्यू, और जो अपवर्तन कोण है उसकी वैल्यू मतलब कि आर की वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो होगा या अनुपात होगा वो हर स्थिति में निश्चित होगा या नियत होगा, इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। देखिए, परावर्तन जब पढ़ते हैं उसमें ये बराबर होते हैं, परंतु अपवर्तन के अंदर आपतन और अपवर्तन कोण जो है उनकी वैल्यूज जो हैं, साइन की जो वैल्यूज हैं वो एक निश्चित रेशियो में होती है, उनका जो रेशियो है वो एक निश्चित होता है, ये स्नेल का नियम है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद